नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ आप सभी का दशमांश निगम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अपना पीएनएल स्टेटमेंट आपसे 2023 का, यानी अभी तक जो 3.5-4 महीने लगभग हो चुके हैं, 21 अप्रैल को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, देख लीजिए। ठीक है, तो अब तक का मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आज शेयर करने वाला हूँ। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जनरली एक जो ट्रेडर है उसका, मतलब उसने मार्केट के आगे, मार्केट के साथ उसका जो व्यू रहा है मार्केट के लिए, कि अगर जैसे मैं बैंक निफ्टी ट्रेडर हूँ तो मेरा जो मार्केट को लेके व्यू रहा है, बैंक निफ्टी को लेके, वो कितना सही रहा है, कितना गलत रहा है। सही रहा है तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिल पाया या नहीं, गलत रहा है तो मैं लॉस कम किया हूँ, ज़्यादा किया हूँ, कितना किया हूँ, इन सब चीज़ों का एक रिपोर्ट कार्ड होता है। जैसे स्कूल में हमारा एक रिपोर्ट कार्ड होता है, वैसे ही पीएनएल स्टेटमेंट एक ट्रेडर का रिपोर्ट कार्ड होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप रेगुलर इंटरवल पे अपना पीएनएल चेक करते रहते हो तो आप बहुत ज़्यादा लॉसेस करने से बच सकते हो, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो करना कभी भी किसी के लिए दिक्कत होती नहीं है। तो अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों को ही आप कंट्रोल में रख सकते हो और आप खुद सिचुएशन के कंट्रोल में रह सकते हो, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है पीएनएल स्टेटमेंट को रेगुलरली चेक करना। मैं तो करता हूँ रेगुलरली, तो यहाँ पर मैं आज आपसे उस चीज़ को शेयर करने वाला हूँ। बट मेन जो फोकस रहेगा इस वीडियो का, प्राइमरी जो एम है इस वीडियो का, वो ये है कि आपको एक सिचुएशन से अवगत कराना, जो कि बहुत कम रिटेल ट्रेडर्स मुझे लगता है इस सिचुएशन में आने ही वाले हैं। तो मुझे माफ़ करना, ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए यूज़फुल नहीं होने वाली है, बट कुछ लोग जो इस सिचुएशन में हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। तो आप, मैं पहले सिचुएशन क्लियर कर देता हूँ क्या है। पहले मैं चलो अपना पीएनएल ही दिखा देता हूँ और फिर हम उसके बाद बात करते हैं। तो रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स पे मैं जाता हूँ, रियलाइज पीएनएल पे मैं जाता हूँ, डेरिवेटिव सिर्फ एफएनओ की बात कर रहा हूँ आज। इसको हटा देता हूँ यार, ये थोड़ा मैंने पहले लोड किया हुआ था फिर लगा हुआ था। बट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में मैं जाता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ जनवरी से लेकर मार्च का पीएनएल। या एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं अप्रैल का दिखा देता हूँ। ये देखो मेरा अप्रैल, मुझे 13,898 का लॉस हुआ है इस महीने। ठीक है, तो अप्रैल में लगभग 14,000 का हमें लॉस है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि फाइनेंशियल ईयर, हाँ, इसमें जनवरी से लेके मार्च तक का आपको दिखाते हैं। तो 1 जनवरी 2023 से लेके 31 मार्च 2023 इसने ऑटोमेटिकली कर ही दिया सेलेक्ट। तो अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 74,000 प्लस, तो प्लस 74,000 है और 14,000 माइनस हुआ है वहाँ पे, तो लगभग 60,000 प्लस में हूँ मैं इस समय, इस करंट फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल के लॉस के बावजूद 60,000 के प्लस में बैठा हूँ अब। हाँ, टॉप पे आप देखोगे कि अदानी इंटरप्राइजेज लिखा हुआ है, क्योंकि अदानी का जो वो क्रैश था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, उसमें कुछ पुट ऑप्शंस लिए हुए थे, तो ज़्यादा तो नहीं मिला, होल्ड किया होता बहुत ज़्यादा मिला होता, बट होल्ड नहीं कर पाए। ये यही जो ऑप्शंस हैं जिसमें आपको 8,000-7,000 दिख रहा है, इन्हीं को अगर होल्ड कर पाए होते हैं तो 2-2.5 लाख पर ऑप्शन में होता है, बट कौन इतना होल्ड कर पाता है ना। तो ठीक है, अच्छा खासा मिला है ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। बट चलो, ज़्यादातर मेरा फोकस रहा है बैंक निफ्टी। देखो पूरा टाइम मैंने जनवरी में, आपको देख रहा होगा 5 जनवरी 2023 की एक्सपायरी है, ठीक है, ये अप्रैल में आपको दिख रहा है, मार्च में आपको दिख रहा है, तो ज़्यादातर टाइम मैंने बैंक निफ्टी पर, फरवरी के एक्सपायरीज आपको यहाँ पे दिख रही है, तो मैंने बैंक निफ्टी पर ही पूरा फोकस किया हुआ है। मेजॉरिटी जो मेजर चंक है इस प्रॉफिट का, वो आया है बैंक निफ्टी से, और उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा बैंक निफ्टी को। लेकिन अब जैसे मैंने आपको अप्रैल का दिखाया था कि अप्रैल मेरा 14,000 नेगेटिव हो गया है, तो देखो पहले मैं बताता हूँ कि अगर मार्केट के अंदर 100 रिटेल ट्रेडर एंटर करते हैं तो 100 में से लगभग 90 लोग पहले 6 महीने के अंदर मार्केट से क्विट कर जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, जो 10 बचते हैं उनमें से 5 लोग अगले 6 महीने के अंदर निकल जाते हैं, एग्ज़िट कर जाते हैं, यानी फर्स्ट ईयर के अंदर ही 95 लोग चले जाते हैं, क्विट कर जाते हैं, क्योंकि लॉस में होते हैं तो नहीं, मतलब मैक्सिमम एक जो लिमिट होती है 1% के लॉस लेने की, वो हो जाती है, और फिर कहते हैं कि यार सट्टा है जुआ है, पैसा नहीं बनता, निकल जाते हैं मार्केट से। ठीक है, उसके बाद जो बचते हैं 5, वो थोड़ा सा डीट टाइप के होते हैं, लॉसेस में वो भी होते हैं बट कंटिन्यू करते हैं, लगभग 1 साल और 2 साल और उनको टाइम लगता है, और उनमें से कोई एक जो है वो एक्चुअली में प्रॉफिटेबल बन पाता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म के अंदर जो रिपोर्ट है वो है, सभी जो है
जो गवर्निंग बॉडी है, रेगुलेटिंग बॉडी है, वो एक रिपोर्ट उसने अभी निकाला है फाइनेंशियल ईयर, मुझे लगता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो 21-22 का है या 22-23 का है, मुझे लगता है 21-22 का है, बट आप देख लेना सेबी रिपोर्ट ऑन ऑप्शन ट्रेडर्स ऐसे करके आप गूगल पे सर्च करना, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो मैं अभी वीडियो में उसमें जाने नहीं वाला हूँ क्योंकि बहुत लंबी रिपोर्ट है और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स उसमें ढूंढना इस वीडियो के अंदर मैं नहीं चाहता कि मैं उसमें अभी डिक करूँ और वहाँ पर ढूँढूँ। बट उस रिपोर्ट में एसेंशली उन्होंने दो प्रकार के ट्रेडर्स की बात की है, इंडेक्स FNO ट्रेडर्स और स्टॉक्स FNO ट्रेडर्स, और उसमें उन्होंने बताया है कि क्या स्थिति है लोगों की। तो इंडेक्स की स्थिति थोड़ी सी स्टॉक्स से ज़्यादा अच्छी है, बट इंडेक्स में उन्होंने कहा है कि 89% लोग लॉसेस में हैं, 11% लोग प्रॉफिट्स में हैं, ठीक है। एवरेज जो लॉस 1% ने किया है वो लगभग 1,25,000 का है, एवरेज लॉस, जी हाँ, एवरेज लॉस एक ईयर का 1,25,000 है लोगों का, बहुत हाई है एवरेज के लिए, बहुत हाई है। बट एवरेज प्रॉफिट आप सुनोगे तो जो एवरेज प्रॉफिट की उन्होंने संख्या बताई है वो है 1,50,000, ठीक है। बट इसके अंदर से अगर आप बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, DIIs हो गए, FIIs हो गए, HNIs हो गए, इनको हटा दो तो एवरेज प्रॉफिट बनता है मात्र 3,400 रुपीज़, ठीक है, सिर्फ 3,400 रुपीज़, मतलब 11% लोगों का एवरेज प्रॉफिट है 3,400, 89% लोगों का एवरेज लॉस है 1,25,000। बहुत डिमोरलाइजिंग रिपोर्ट है, बहुत डिमोटिवेटिंग है। अगर आप अभी लॉस में हो तो बहुत भयंकर जर्नी है आपके लिए आगे, और अभी अगर लॉस में नहीं हो तब आपके लिए वीडियो भी है एक्चुअली में। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो 1 साल के बाद 100 में से 5 लोग बचते हैं, ठीक है, और उसमें फिर जो कोई एक आध निकलता है, अगर वो प्रॉफिट में है तो मैं उनके लिए आगे बात करने वाला हूँ, क्योंकि आप बहुत स्ट्रगल करके ऑलरेडी आए हो यहाँ पे प्रॉफिट इस सिचुएशन में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं इसका थोड़ा सा जो मेथड जो मैं करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे मैं अपना व्यू प्रेजेंट करने वाला हूँ, बाकी तो सबकी सिचुएशन अलग होती है, जिसको जो करना है कर सकता है, बट मेरा व्यू यहाँ पे क्या है, मैं ये देख रहा हूँ अभी अपना जो PNL रिपोर्ट है उसमें कि मैं 74,000 प्लस में था पहले 3 महीने इस ईयर के, जो चौथा महीना है वो मेरे लिए अच्छा नहीं रहा, अप्रैल का मंथ मेरे लिए बहुत ही ख़राब रहा है, और इस कदर तक ख़राब रहा है कि एक मंथ एंड में एक ट्रेडर लॉस में जाए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। साल में 12 महीने होते हैं, हर महीने आप अच्छा करो ये नहीं हो सकता, किसी महीने आपका लॉस होगा, ठीक है, होगा, वो होना ही है, वो प्रॉफिट और लॉस दोनों ही पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन ये महीना इस कदर तक ख़राब रहा है कि कोई एक भी वीक ऐसा नहीं रहा है इस मंथ जो प्रॉफिट में रहा हो, और अब सोचिए कि लगातार मैं 3 वीक लॉस में रहा हूँ, उसके बाद भी लॉस का साइज़ मैंने कम रखा है, ठीक है। तो बस यही आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है, ठीक है। मैक्सिमम रिटेलर क्या करता है, देखता है 70,000 आ गया 3 महीने, चौथे महीने क्वांटिटी डबल, ठीक है, 10,000 का जो लॉस है वो हो जाएगा, सॉरी मेरा 13,000 का लॉस है, 14,000 वो 28,000 हो जाएगा, बस एक महीना लगता है पूरा वाइप आउट कर, ख़त्म, ठीक है। तो यही है सेबी का जो रिपोर्ट है वो तो एक ईयर का है ना, मैं ये मानता हूँ कि अगर उसी रिपोर्ट को आप एक्सटेंड कर दीजिएगा 3 साल पे ना, तो आपको 100 में से सिर्फ 1% मिलेगा, सिर्फ 1% आपको ट्रेडर मिलेगा जो प्रॉफिट पे रहेगा 100 में से, 99% लोग लॉसेस में रहेंगे, ठीक है। तो यही है, और इसका बड़ा रीज़न ये भी है कि जब आप एक लंबे समय को देखते हो तो फिर आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्सेस इन सारी चीज़ों को भी कभी बहुत हैवी इम्पैक्ट आता है, ठीक है। बट चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जब आप एक प्रॉफिट में हो, अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप एक प्रॉफिट में हो मार्केट से, और आपका थोड़ा बहुत लॉस होना शुरू हुआ है, तो मैं मार्केट की जो साइकिल्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ आपसे। कोई भी जो स्ट्रैटेजी है मार्केट के अंदर जो वर्क कर रही है, आप उसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो, अच्छा है, काम कर रही है, बढ़िया है सब कुछ, तो ज़रूरी नहीं है वो हमेशा ही वर्क करती रहेगी। कुछ सिग्नल्स होते हैं जहाँ पर आपको पहले से पता लग जाता है कि वो जो स्ट्रैटेजी है वो अब वर्क करना बंद कर सकती है या फेल होना शुरू हो रही है। पहला सिग्नल तो ये है कि अब ये हर स्ट्रैटेजी के लिए डिफरेंट है। मेरी जो पर्सनली जो मैं बैंक निफ्टी में यूज़ कर रहा हूँ वो मुझे मंथ एंड पे प्रॉफिट में रखती थी मंथ ऑन मंथ, और ये सिलसिला नवंबर से चल रहा था, तो मंथ एंड में मैं हर महीने प्रॉफिट में रहता हूँ,
और पिछले नवंबर से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अप्रैल का लगभग मुझे लगता है मेजर पोर्शन बीत चुका है महीने का, कुछ 1-1.5 हफ्ता बचा है, तो ट्रेड करेंगे, देखते हैं उसमें क्या होता है। मैं ये मान चुका हूँ कि इस महीने अब मैं प्रॉफिट में नहीं आने वाला, इस महीने को मुझे रेड में क्लोज करना होगा, तो ये मैं मान चुका हूँ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और एक्सेप्ट करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, पहली बात तो ये है कि आप, मैं ट्रेड यहाँ पे कर रहा था बैंक निफ्टी के 3 लॉट के अंदर, ठीक है। तो अब मेरा जो प्राइमरी एम है यहाँ पर, वो पैसे और कमाना नहीं है, यहाँ पर ये जो पैसा मेरा आ चुका है, जो आपको ग्रीन में दिख रहा है, इसको आगे बचाना है, ठीक है, इसको बचाना है। ये 0 अगर हो गया, मान लीजिए अगर अप्रैल में लॉस हुआ, मई में लॉस हुआ, जून में लॉस हुआ, है ना, 3 महीने लॉस हो गया लगातार, और अगर ये 0 हो गया, ठीक है, तो मेरा माइंडसेट सोचे कितना ख़राब हो जाएगा कि यार मैं 6 महीने से, क्योंकि लोग क्या करते हैं पता है, जो रिटेल ट्रेडर होता है वो देखता है कि अरे प्रॉफिट ही तो है, क्या दिक्कत है, अरे 75,000 कमाए, वो 10,000 15,000 चला गया, क्या दिक्कत है। दिक्कत है उस पैसे को, आप जब तक ये सोचोगे कि अरे ये तो मार्केट का पैसा है ना, मार्केट से आया है, ठीक है, लगा दिया इधर, ये कर दिया, वो कर दिया, जैसे लोग, जैसे जो यूट्यूब में रील्स बनती हैं कि मुझे एग्जैक्ट, हाँ, भारतीय एयरटेल के स्टॉक में इन्वेस्ट करके पैसा कमाओ और फिर एयरटेल का रिचार्ज कराओ, बहुत बेकार लॉजिक है। आपका जो स्पेंडिंग है उसका एक अलग लॉजिक होना चाहिए, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका एक अलग लॉजिक होना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि मैं घर में जियो फाइबर रखा हूँ, मैं रिलायंस, अब बताओ ये लॉजिक यहाँ पे लगेगा क्या, मैं कौन से रिलायंस जियो में निवेश करूँ, रिलायंस रिटेल का अनलिस्टेड स्टॉक लूँ या फिर रिलायंस का जो लिस्टेड है मार्केट में वो लूँ, तो कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का, ठीक है। तो मुझे बहुत ख़राब ये सब लॉजिक लगता है, मुझे लगता है इन्वेस्टिंग एक बहुत ही सेपरेट जर्नी है जिसको बहुत सिंपल तरीके से समझना चाहिए, और ये सब लॉजिक कि डोमिनोज का स्टॉक में इन्वेस्ट करके पैसा कमाओ फिर डोमिनोज से पिज्ज़ा खाओ उस पैसे से, कोई मतलब नहीं है। देखो पैसा, मैं मानता हूँ पैसा होता है, वो चाहे आपने डोमिनोज के स्टॉक से कमाया हो या ITC के स्टॉक से, वो सेम है, पैसा है, उसकी वैल्यू सेम है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी से जो मैंने पैसा 3 लॉट से कमाया है, और बैंक निफ्टी से अब मैं लॉट साइज़ अपना रिड्यूस करने वाला हूँ, और रिड्यूस ऐसा नहीं कि 3 से 2, 3 से सीधा 1 आने वाला हूँ, और 1 के भी नीचे कुछ लॉट जाता तो उसमें भी मैं चला जाता। रीज़न अब ये है ताकि मैं एक नेट ग्रीन पे रहूं, और इसी के साथ इस ग्रीन को मेंटेन करके, देखो जब आप ग्रीन पे हो ना, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है, आपको पता है कि एक बैकअप आपके पास कैपिटल बहुत है। अब मैं मौका नहीं देने वाला हूँ मार्केट को कि ये पैसा मार्केट में से वापस ले जाए, ठीक है। तो बहुत बार ट्रेडर जो है वो ये प्लान तो बना लेता है कि हाँ इतना प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं क्वांटिटी इतनी बढ़ा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन अगर लॉस हो गया तो मैं कम करूँगा क्वांटिटी क्या और कैसे कम करूँगा, तो ये प्लान लोग नहीं बना पाते हैं। तो मेरा जो मैं आपको रूल आज देने वाला हूँ ये है कि 15% अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो और 20% अगर आप एक थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेडर हो, अगर आपका जो प्रॉफिट चल रहा है पिछले, मैंने यहाँ पे 3 महीने लिए हैं तो आप भी 3 मंथ्स ले सकते हो, पिछले 3 महीनों का जो प्रॉफिट है अगर उसका 20% किसी भी टाइम पे एक सिंगल मंथ के अंदर वाइप आउट हो जा रहा है या लॉस में चला जा रहा है, तो वो सही सिचुएशन है जहाँ पर आपको क्वांटिटी रिड्यूस करनी चाहिए। और देखो अब क्वांटिटी रिड्यूस करने में कुछ लोग क्या प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम ये आती है, लोग सोचते हैं कि यार लॉस हो गया है, स्ट्रैटेजी तो बढ़िया चल रही थी अभी 3 महीने से, तो इसका मतलब जो आगे ट्रेड्स हैं उसमें तो प्रॉफिट होना चाहिए मेरा, है ना। और ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लॉजिक तो सही है कि भाई जो लॉस हुआ है वो तो स्ट्रैटेजी में रिकवर होगा ही होगा, है ना, या आगे जो आपके एनालिसिस हैं, इतनी एनालिसिस फेल हो गई हैं तो थोड़ा आगे सही होगी, बट प्रोबेबिलिटी ऐसे वर्क नहीं करती, प्रोबेबिलिटी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले क्या हुआ है, क्योंकि ये कंडीशनल इवेंट्स है ही नहीं। आपका कल का एनालिसिस कैसा रहेगा उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है कि आपका आज का एनालिसिस कैसा था, आपका पिछले 1 महीने का कैसा था, कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे रिड्यूस कर रहा हूँ ताकि अगर ये जो स्ट्रैटेजी है वो एकदम से, जैसे अप्रैल मंथ क्योंकि लॉस में एंड होगा, वो तो डेफिनेट सी बात है ना। 13, देखो वैसे तो अगर मैं सेम क्वांटिटी पे रहूँ तो 15,000 कोई बड़ी बात नहीं है, एक हफ्ते में यही स्ट्रैटेजी मुझे दे सकती है, लेकिन जिस कदर जो विक्स चल रहा है मार्केट में उस विक्स में नहीं दे सकते, क्योंकि अभी जो विक्स चल रहा है उसमें मेरा बैंक निफ्टी का टारगेट बन रहा है 70 पॉइंट। जब विक्स 18-19 के आसपास था तो मुझे एक एक ट्रेड बनता था 300-400 पॉइंट का,
और ये ट्रीट किए हैं हमने मार्च मार्च में ही लिए हैं, कोई बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्च 2023 की ही बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हमने ऐसे ट्रेड किए हो और फिर एकदम से अब मार्केट ऐसी हो गई कि हमारा टारगेट 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस 50 है, और वो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में टिक ही नहीं रहा है। तो जो भी सेटअप है, जैसा भी है, अगर ये सेटअप आउट होने वाला है, बाहर होने वाला है, तो कोई और सेटअप देखेंगे, ठीक है। लेकिन कम से कम जितना आ चुका है पैसा, उसको अंदर करिए, उसको बचाइए, ठीक है। क्वांटिटी यहाँ पे रिड्यूस करिए ऐसी सिचुएशन में। यही मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव था, एम था। तो जो भी रिटेल ट्रेडर्स ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे वो एक अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, बट अब उन्हें कुछ इनिशियल लॉसेस दिखने लगे हैं, जो कि एक ड्रॉडाउन फेज भी हो सकता है, तो अब रिड्यूस करनी है तो बढ़ानी नहीं है क्या करनी, ऐसा नहीं है। आप रिड्यूस तब तक करिए जब तक आपका जो लॉस था, जो ड्रॉडाउन था, वो ज़ीरो ना हो जाए, ठीक है। मतलब वो नेगेटिव से ज़ीरो जब तक ना हो जाए तब तक आप रिड्यूस करिए। जहाँ पे आप वापस ज़ीरो पे आ जाएँ, वहाँ पर आप फिर ठीक है, अब इनिशियल में वहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1-2 कर दूँगा, ठीक है। जहाँ पे मैं ज़ीरो पे आ गया, 1-2 कर दूँगा, फिर जब थोड़ा और बढ़ने लगेगा तब जाके मैं उसको 3 कर दूँगा, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ देखो, एकदम बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना है, बट कोशिश ये करनी है कि प्रॉफिट में एक बार आ गए हैं तो अब वो प्रॉफिट मार्केट को लेने का कोई मौका नहीं देना है, क्योंकि आप मौका दोगे तो चांस है कि चला जाए, आप मौका ही नहीं दोगे तो कोई चांस ही नहीं। आपको 100% प्रॉफिट में रहना है अगर आप साल के पहले 3 महीने प्रॉफिट में हो तो, ठीक है। अगर आप उस प्रॉफिट को बढ़ा नहीं सकते हो, कम से कम घटाओ मत। मेरा सिंपल सा रूल है कि आप कोशिश करो कि आप कमाओ, कम पैसा आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आया है वो जाना नहीं चाहिए। जो आया है उसको अपना कैपिटल मानना है, उसको ये नहीं मानना है कि मार्केट ने दिया है, थोड़ा बहुत मार्केट ले गई, नहीं, उसको मानना है कि मेरा पैसा है। और अगर आप ऐसे नहीं मान पा रहे हो तो आप ऐसे मानो कि इस 74,000 के लिए मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, इन पूरे 3 महीनों में मैं रेगुलरली जो है 9:15 बजे से 3:30 बजे का जो टाइम है उसको मैं मार्केट को लगभग किसी ना किसी वे में दिया। हो सकता है कि पूरे टाइम मैं कुछ और करता रहा हूँ, हो सकता है मैं अपना काम भी करता रहा हूँ साथ में, बट उसके साथ मैं लगभग कॉन्स्टेंटली ही मॉनिटर किया हूँ इस चीज़ को। डेली सुबह उठना और डेली 3:30 बजे तक जब मार्केट क्लोज़ हो रही है उस टाइम तक देखना कि कोई सेटअप मेरा और तो नहीं बन रहा है क्या, ठीक है। उसके बाद फिर शाम को बैठ के एनालिसिस करना। तो इतना सारा टाइम आपने दिया है होगा अगर आप प्रॉफिट में हो तो उस टाइम की कुछ कदर करो और ये समझो कि वो कैपिटल आपका है। तो चाहे तो उसको विड्रॉ कर लो, मेरे अंदर डिसिप्लिन है तो मैं विड्रॉ नहीं करने वाला, मेरी डीमैट में रखा रहेगा और सेफ रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये बस मैं आज बताना चाहता था कि क्वांटिटी रिड्यूस कब करनी है, ट्रेड डाउन कब करना है। देखो, अगर आप जंगल में हो और आपके सामने शेर आ गया है अचानक से, और वो शेर 2 कदम पीछे की ओर हट जाए ना, तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो आपसे डर के भागने वाला है, ये समझना चाहिए कि अब वो तैयार है आगे छलांग मारने के लिए। तो बहुत बार लाइफ में भी आगे छलांग मारने के लिए कभी कभी आपको 2 कदम पीछे लेना पड़ता है, तो उस 2 कदम पीछे लेने में आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ब्रेक लीजिए और थोड़ा सा पीछे हटिए, क्योंकि आगे आप जब आएंगे तो बहुत तेज़ी से आएंगे और बहुत लंबी छलांग मारने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम और होपफुली एक अच्छी न्यूज़ के साथ कि हाँ, ये पूरा ज़ीरो मैंने कर लिया रेड को। बट तब तक के लिए नमस्कार।